आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं जी। और दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये खास पेरेंट्स के लिए है। जो माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये खास आपके लिए है, क्योंकि एज पेरेंट्स हम बहुत चिंता करते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों की चिंता फिक्र होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम चिंता करते हैं वो है अपने बच्चों की, उनकी सेहत की। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे राहुल, कि उनकी सेहत की हमें बहुत चिंता होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई की, वो स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो अच्छे से करेंगे या नहीं, उनका फ्यूचर कैसा होगा, वो क्या प्रोफेशन चूज़ करेंगे, वो आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। हम हर बात की चिंता करते हैं कि चिंता करने से ना ही हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा ना ही वर्तमान बदलेगा। लेकिन ऐसा क्या करें कि हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, इसी को आज हम करीब से देखने वाले हैं दोस्तों। तो राहुल, आप कह रहे हैं कि वी कैन रिप्लेस वरी विद समथिंग दैट विल बी मोर कंस्ट्रक्टिव इन लुकिंग आफ्टर आवर चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली, और यही हम देखने वाले हैं दोस्तों आज। इसका मतलब दोस्तों कि एज पेरेंट्स चिंता करने के बजाय हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर पाएंगे, और वो क्या है आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। आइए इस समय हम दिन की शुरुआत में सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो सेंट एंड्रूज चर्च की कोयर हमारे लिए गा रही है। ये गीत कन्नड़ा में है और इस गीत का मतलब है कि हे मेरे भाई, परमेश्वर तेरे साथ है। और आज हम आपसे भी ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है।
थैंक यू वेरी मच कोयर इस गाने के लिए। और आज की सुबह हम सब लोग और हम सब पेरेंट्स खास करके यही तो सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। अपने बच्चों की परवरिश में हम अकेले नहीं हैं, पर हमारा यीशु हमारे साथ है। बिल्कुल दोस्तों, ये कितना कंफर्टिंग है, कितना सांत्वना देता है हमें ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं परवरिश में, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा मददगार है। जी, और दोस्तों इसी भरोसे के साथ और परमेश्वर के इस वायदे के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम मुलाकात करेंगे अजीत रूपा से, जो हर पेरेंट की तरह अपने बच्चों के पालन पोषण को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे। आइए देखते हैं कि कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे की चिंता से निश्चिंत हो सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। कानपुर के रहने वाले अजीत रूपा एक साधारण सी जिंदगी जीते हुए बड़े हुए, और उसके बाद मैं अपनी मासी के संपर्क में आया, जो एक आत्मिक महिला थी। वो बाइबल अध्ययन करती रहती थी और उन्होंने मुझे सिखाया यीशु मसीह क्यों धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जिससे बाद में मेरी शादी हुई, और वो भी एक स्कूल में टीचर थी। शादी के बाद उनकी आत्मिक जिंदगी के साथ पारिवारिक जिंदगी भी खुश थी, और कुछ दिनों के बाद उनके एक बेटी भी पैदा हो गई। 8 साल के बाद उन्होंने दूसरे बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन आर्थिक कमियों की वजह से वो सोच में पड़ गए। इसी दौरान हमारे घर में एक खुदा के खादिम आए और मेरी वाइफ ने उनसे कहा कि हम एक बेबी प्लान करना मांग रहे हैं, पर मेरे हस्बैंड तैयार नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, भैया मेरा पास एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का अच्छा नहीं है और मेरे पास इतने फंड्स भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है कि अब जो न्यू बेबी आएगा उसको हम देखभाल कर सके, उसका पालन पोषण कर सके। तो उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और उन्होंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, एक डिलीवरी है, हो जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगी, कब क्या लगे मैं बताऊँगा। तो हॉस्पिटल इस तरह से परमेश्वर ने तैयार कर दिया। मेरी वाइफ का एक स्टूडेंट था, उसके मामू भी जिस हॉस्पिटल में बात हुई थी उसी में वो गायनी डॉक्टर थे, और उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करो और प्लान करो। और जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना किया है तो फिर हमने भी कहा कि अब हम भी प्लान करना शुरू करेंगे, और उसके बाद हमारा चेकअप और चीज़ों को हमने शुरू किया। साथ ही अजीत और उनकी पत्नी ने परमेश्वर से प्रार्थना भी करना शुरू कर दिया। हमें पता चला कि अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और हम लगातार प्रार्थना करते रहते थे, दुआ करते रहते थे कि परमेश्वर अब की बार हमें एक बेटा दे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बेटी है बड़ी। तो परमेश्वर से हम रोज़ ये प्रार्थना करते थे, और क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल बताती है कि मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा और ढूंढो तो पाओगे, और हम जानते थे कि परमेश्वर ने एक सुंदर बेटा दे दिया है। वो वक्त भी जल्द आ गया जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद मैं अपनी बेटी के पास गया, उसको प्यार किया और परमेश्वर का धन्यवाद दिया, और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जो आपने दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, अब मैं चाहता हूँ प्रभु कि ये भी आपकी सेवा करे, आप में बढ़े और आपको महिमा देने वाली हो सके। इसी दौरान अचानक उनकी वाइफ की नौकरी चली गई। जैसे वचन में लिखा है कि वो न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है और हमेशा हमारे साथ रहता है, तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहा। और जब हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म ही होने वाली थी तभी परमेश्वर ने एक जॉब मेरी वाइफ को दे दी और फिर से हमारे फाइनेंसेस को और उठाया। मुश्किलें आई ज़रूर पर वो ठहरी नहीं, मुश्किलें आई पर उन्होंने हमें तोड़ा नहीं, हम परमेश्वर में इसी तरह बढ़ते गए और उसकी सब आज्ञाओं में हम चलते रहे। अजीत आज परमेश्वर के प्रेम और दया से अपने परिवार के साथ खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारा पालन पोषण अपनी दया और अपने अनुग्रह के अनुसार कर रहा है। और पिछले साल से मैं बाइबल सेमिनरी कर रहा हूँ और अपनी गवाहियों और परमेश्वर के वचन को दूसरों में बांट रहा हूँ, इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अजीत जी, थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। और एज पेरेंट्स हमने आपके जीवन से सीखा और हमने जाना कि कैसे परमेश्वर है जो हमारे लिए प्रोवाइड करता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे माता पिता अक्सर परेशान होते हैं
प्रेशर लेते हैं बच्चों को लेकर, जो हमें नहीं करना है, क्योंकि शास्त्र में कई सारी प्रतिज्ञाएं हैं, कई सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें बताता है कि परमेश्वर सिर्फ हमारा ही नहीं लेकिन हमारी पीढ़ियों का ख्याल रखता है। ही इज अ गॉड ऑफ 1000 जनरेशन, सैकड़ों पीढ़ियों का परमेश्वर है। वो हमें अच्छे दिन दिखाएगा कि हम अपने बच्चों को ही नहीं लेकिन बच्चों के बच्चों को देखें। तो इन प्रतिज्ञाओं को थामे रखना है दोस्तों। एक खूबसूरत कहानी मैं बताना चाहता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी से कि हमें क्या करना है और एक वचन को भी देखेंगे। तो कहानी है एक पिता और एक बेटे की। अब बेटा छोटा था, 4-5 साल का, और एक दिन पिताजी काम से घर आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो है ये दीवार पर कुछ रंग बना रहा है, क्रेयॉन्स लेकर के कुछ बना रहा है। तो पिता ने बोला, अरे अरे क्या कर रहे हो, खराब हो जाएगा दीवार, ऐसा मत करना। तो बच्चा रुक गया, अपने कमरे में गया दौड़कर। फिर 2-3 दिन के बाद जब पिता फिर से काम से आए तो उसने देखा कि बच्चा फिर से कुछ दीवार पर बना रहा है, खराब कर रहा है दीवार रंग बना करके। तो पिताजी ने इस बार डांट दिया बच्चे को, बोला तुम्हें समझ में नहीं आता, पिछले बार तुम्हें समझाया था कि ऐसा नहीं करना है, क्या कर रहे हो। तो बच्चा फिर से चुप बैठ गया और अंदर भाग गया। फिर 2-3 दिन के बाद फिर से पिताजी ने देखा, जब वो काम से आए तो बच्चा कुछ बना रहा था। इस बार पिताजी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने ऊंची आवाज में बच्चे को डांट दी, बच्चा रोता हुआ चला गया। फिर 3-4 दिन के बाद जब पिताजी घर पे आए तो बेटा जो है वो फिर से दीवार पे कुछ बना रहा था। इस बार पिताजी ने कुछ नहीं कहा, वो अपने पिताजी के पास गए, यानी कि वो छोटे बच्चे के दादाजी के पास, और उन्होंने कहा, पापा मुझे आपसे बात करनी है, ये एक ऐसी समस्या हो रही है, मेरा जो बेटा है आपका पोता जो है वो दीवार पर कुछ ना कुछ करते रहता है और मैंने उसे मना किया, डांटा फटकारा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो दादाजी ने बोला, कोई बात नहीं, इसको मैं हैंडल करता हूँ, इसको मेरे तरीके से मैं देखता हूँ। फिर दादाजी वो अपने पोते को लेके गए टहलने के लिए और फिर टहल करके वो आए और दादाजी ने फिर अपने बेटे से कहा कि फिक्र नहीं, आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। तो पिताजी जो है, बच्चे के पिताजी, उन्होंने कहा देखते हैं। लेकिन फिर उस दिन के बाद उस बेटे ने कभी क्रेयॉन से दीवार पर नहीं लिखा। तो अब ये जो बच्चे का बाप है वो अपने पिता के पास गया और बोला, ऐसा आपने क्या बोला कि वो बच्चा बंद ही कर दिया ऐसा करना, क्या मैंने डांटा फटकारा वो कुछ काम नहीं कर गया, आपने ऐसा क्या बोला। तो दादाजी बोले, कुछ खास नहीं, मैंने सिर्फ उसे एक बात कही कि बेटा अब तुम बड़े हो गए और बड़े बच्चे ऐसा नहीं करते, और उस बच्चे में चाहत थी बड़े होने की और इसलिए वो करना उसने बंद किया, क्योंकि ये उसके लिए ऐसा होता कि अगर वो करता तो फिर उसकी गिनती छोटे बच्चों में होती। दोस्तों ये हमसे क्या कहता है ये कहानी, ये हमसे कहता है कि माता पिता होने के क्योंकि हम माता पिता हैं, हम हमारे बच्चों से सकारात्मक बातें करें, वचनों से बातें करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनसे नकारात्मक बातें नहीं करें। हमारी चिंता जो है कभी कभी हम बच्चों पर डाल देते हैं और बच्चे भी फिर टेंशन में आ जाते हैं कि ओहो पेरेंट्स टेंशन में है तो अब हम क्या करें, कि देखना तुम पेपर अच्छे से लिखना वगैरह, ऐसा नहीं करें। हम उनसे पॉजिटिवली बात करें, उन्हें एनकरेज करें। आइए दोस्तों परमेश्वर का वचन देखते हैं हमें क्या कहता है, नीति वचन 5वां अध्याय, और यहां पर एक खूबसूरत बात है, आइए देखते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5:7, नीति वचन 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है, अब मेरे पुत्रों तुम मेरी बात सुनो, जो कुछ भी मैं कहता हूं उससे मुंह मत मोड़ो। कितना सरल और खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, कहता है कि एक माता पिता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को सही तरीका बताएं, सकारात्मक बातें करें, उन्हें प्रोत्साहन दें, चिंता ना करें उनको लेकर के, लेकिन उनसे परमेश्वर के वचन से हम बातें करें, उन्हें सिखाएं क्या सही है क्या गलत है। ये माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। जी दोस्तों, और ऐसा करने के लिए हमें बुद्धि समझ चाहिए, हमें परमेश्वर की मदद चाहिए। तो आइए हम मिलकर अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना करें, और इससे पहले हम अपने लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें वो सही मार्ग दिखाए, सही बुद्धि समझ दे जिससे हम अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकें, हम सकारात्मक हों अपने बच्चों के सामने और सही शब्द हम उनके साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों प्रार्थना के लिए आप हमें ज़रूर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, हमारा नंबर है 9910404010, 9910404010, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही अपनी पेरेंटिंग की इस स्ट्रगल में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं कर सकते हैं
और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो प्रेयर लाइन में हम सोफिया के साथ जुड़ने वाले हैं और साथ ही साथ रेवरेंड प्रदीप सैमुअल गुन्नर हमारे लिए और खासकर पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं और वो है चिंता। चिंता जो पेरेंट्स करते हैं, माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत फिक्र करते हैं। आज हम परमेश्वर की मदद से अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंप रहे हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना में सोफिया और रेवरेंड प्रदीप सैमुअल गुन्नर जी के साथ जुड़े, जो खास बच्चों के लिए और हम पेरेंट्स के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में स्वागत है। आज की प्रार्थना हम खास बच्चों के लिए करेंगे, तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहें। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर प्रदीप सैमुअल गुन्नर, जो बाइबल प्रीचर हैं और टीचर भी। वेलकम पास्टर। थैंक यू पास्टर। जैसा कि मैंने कहा, टुडे वी आर गोइंग टू प्रे फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों की अपनी खुद की बहुत सारी अलग अलग चुनौतियां होती हैं, उनके एग्जाम्स को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, रिश्तों को लेकर, पीयर प्रेशर को लेकर और साथ ही स्ट्रेस को लेकर। तो ऐसे समय में उन्हें क्या करना चाहिए? ये एक सच्चाई है कि आज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। मैं खुद भी स्कूल चलाता हूँ और बच्चों को देखता हूँ, उनके जीवन को बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, और मैंने पाया कि हमारे बच्चे आज अलग अलग कारणों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। कई बार तो हमने ये देखा कि बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं, दिन भर परेशान रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खेलने में मन नहीं लगेगा, कुछ काम नहीं करेंगे और चुपचाप कहीं पर कोने में हो जाएंगे। इसके पीछे कारण यही है कि बच्चे जो हैं इस समय, उनके ऊपर पढ़ाई का एक तो बोझ होता है, इतना ज़्यादा उनके बैग्स फुल होते हैं, बस्ता का बोझ जिसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने जीवन में कैसे उन हर एक बात को सीख लें। दूसरी बात यह है, उनके ऊपर पीयर प्रेशर भी है, साथी लोग ऐसे हैं जो उनको शायद गलत बातें बताते हैं, गलत चीज़ें हैं जो गलत आदतें वो सीखते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो रोल है वो पेरेंट्स का होता है, इसीलिए आज हम माता पिता के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, केवल बच्चों के लिए ही नहीं लेकिन माता पिता के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। That's true, पास्टर। और कई बार बच्चों के स्ट्रेस के कारण माँ बाप भी स्ट्रेस में रहते हैं, तो पेरेंट्स की इस एंजाइटी में वचन कैसे उनकी मदद कर सकती है? बाइबल में लिखा है, अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर चल करके वो कभी नहीं हटेगा, बुढ़ापे तक नहीं हटेगा, यही शब्द आया। और इसलिए ये पेरेंट्स का पहला कर्तव्य है, केवल स्कूल में टीचर तो बाद में है लेकिन पहले पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सही मार्ग पर चला सकते हैं। और इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अगुवाई करे और हम अपने बच्चों का पालन पोषण सही रीति से कर सकें। तो चलिए पास्टर, क्यों ना मिलके हम अपने व्यूअर्स जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, हम नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों पर आते हैं। हृदय से हम धन्यवाद देते हैं अपने बच्चों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं अपने माता पिता के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक परिवार दिया है जिसमें रह करके प्रभु जी हम एक दूसरे के लिए अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना इस समय, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर किसी रीति से भी किसी भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को निग्लेक्ट किया है,
जितना समय अपने बच्चों के लिए देना चाहिए था नहीं दे सके, उनको बुद्धि दीजिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए समय दे सकें। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि स्ट्रेस में हैं, दबाव में जीवन बिता रहे हैं, पढ़ाई का बोझ है, या प्रभु जी सोशल मीडिया में इतने उलझे हुए हैं प्रभु, जो उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। प्यारे प्रभु यीशु, ऐसे बच्चों की आप रक्षा करें। मेरी ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप दया करें ताकि प्रभु जी हमारे परिवार सुंदर परिवार बन सकें, हमारे परिवार यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो सकें, हम अपने बच्चों की देखभाल सही रीति से कर सकें। अगर परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं और बच्चे जवान हैं प्रभु, कमा रहे हैं और प्रभु अपने काम धंधे में लगे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करें, सही रीति से उनको उनके लिए सारा इंतज़ाम करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है, हमारे बच्चे प्रभु जी चाहे वो किसी भी परिस्थिति में है आपकी महिमा के लिए बढ़ते जाएं, और प्रभु हमारा परिवार सुंदर आनंदित और शांति से भरा हुआ परिवार पाया जाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर प्रेइंग विद अस पास्टर, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर चिंतित हैं, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, तो 29th अक्टूबर दोपहर 3 बजे CBN इंडिया यूट्यूब पे हमारी एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम प्रार्थना में लाइव जा रही है। अपने बच्चों को साथ लेकर उस लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़ें। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और खास आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप आगे का शो जरूर देखते रहें। बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया, एंड थैंक यू वेरी मच रेवरेंड प्रदीप पुनर्जी, आप आज हमारे साथ जुड़े, आपने खास प्रार्थना की, और प्रार्थना की हम सबको बहुत ज़रूरत है। एज पेरेंट्स वी नीड प्रेयर। यस दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर प्रार्थना चाहते हैं, शायद अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, शायद व्यक्तिगत रूप में भी अगर आप प्रार्थना चाहते हैं कि माता पिता होने के नाते आप और बेहतर होना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर तो आप जानते हैं, 99-10-40-10-10। हमसे जरूर संपर्क कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो शुक्रिया शुक्रवार में आपके भेजे गए प्यारे मैसेजेस को, प्रोत्साहन भरे मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। क्या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर चिंतित हैं? 19th और 29th अक्टूबर को 3 PM पे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे प्रेयर लाइन टीम प्रार्थना में लाइव जा रही है। आप जरूर अपने बच्चों को लेकर इस प्रार्थना में जुड़िएगा। परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए प्रार्थना करें। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम मेंटल हेल्थ सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमने जाना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी चिंता करता है, हमारे बच्चों की चिंता करता है। जिस तरह वो हमारे साथ है, वो हमारे बच्चों के साथ भी है, इसलिए हमें अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, याद रखें परमेश्वर हमारे बच्चों से प्यार करता है, उसने उन्हें भी हमारे गर्भ में रचा है, है ना, माओं के गर्भ में परमेश्वर ने हमारे बच्चों को भी रचा है, तब से वो उन्हें जानता है। तो इस बात को हम थाम लें कि परमेश्वर हमारे बच्चों का ख्याल रखेगा। जी और आइए दोस्तों, इस समय हम पढ़ें आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस शुक्रिया शुक्रवार में। एक मैसेज है जो हमारे प्रिय दर्शक हमसे कह रहे हैं कि हमें आपके चुने हुए टॉपिक्स बहुत ही इंस्पायरिंग लगते हैं, बहुत ही प्रोत्साहनजनक लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया है, गॉड ब्लेस यू। देखो मैं दुनिया के अंत तक, इस गीत से मुझे बहुत आशीष मिली है, और इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से गाया भी गया है। परमेश्वर कॉयर को बहुत बहुत आशीषित करे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब हम आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप एक नई जिंदगी को इतना पसंद करते हैं। अगर आप भी कुछ राय देना चाहते हैं,
अपनी कहानी बताना चाहते हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के बारे में, तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा। बड़ा आसान है, आपको हमारे CBN इंडिया की यूट्यूब चैनल पर जाना है और आज के प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कैसे एक नई जिंदगी आपको छू रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप हमारे प्रेलाइन नंबर 9910401010 पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम देखेंगे कि आज परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन हमसे क्या कहना चाहता है। पर प्रभु कहता है, क्या यह हो सकता है कि माँ अपने दूध पीने वाले शिशु को भूल जाए, अपने गर्भ से उत्पन्न हुए बच्चे पर दया न करे? हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को भूल भी जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यशाया 49:15। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है और इस वचन को हम पढ़े और बार बार पढ़े, क्योंकि ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि शायद हम अपने बच्चों को भूल जाएं, जिन्हें हमने जन्माया है, जिन्हें हमने दूध पिलाया है, जिनकी हमने देखभाल की है, शायद हम अपने बच्चों को भूल जाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमें नहीं भूलता, वो हमारे बच्चों को नहीं भूलता, वो उनके साथ है हर समय हर पल, वो उनकी चिंता करता है। इसलिए जो भी हमारी चिंताएं हैं हम परमेश्वर को सौंप दें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम ने आपके मनों को शांत किया है। माता पिता होने के नाते आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अजीत रूपा जी की खूबसूरत कहानी हमने देखी कि कैसे परमेश्वर नियंत्रण में है। दोस्तों, आपके भी जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर नियंत्रण में है। वो आपके बच्चों को संभालेगा और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य देगा। परमेश्वर पे भरोसा करें और माता पिता होने के नाते जो हमारा फर्ज है उन्हें हम निभाएं, लेकिन चिंता ना करें। जी, और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है जहां आप एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं और अपने अनुदान के द्वारा आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अंधेरे में हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, और हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/joinTheENZFamily। तो देर ना करें, जल्दी से हमारे साथ जुड़ें और हम मिलकर घर घर तक एक नई जिंदगी प्रोग्राम को पहुँचाएँ। ऐसा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम चाहते हैं आप भी हमारी पहल में जुड़े, एक नई जिंदगी घर घर तक जाए। अब समय आपसे इजाज़त लेने का इस वादे के साथ कि सोमवार को सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी फिर से हाजिर होगी। मेंटल हेल्थ सीरीज के एक अहम पहलू को हम देखने वाले हैं, वो है एडिक्शन का असर हमारे मानसिकता पर क्या होता है। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।